हेलो दोस्तों, आज पेश हैं कुछ और ऐसे उर्दू अरबी और फारसी के शब्द जो फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स में इस्तेमाल हुए हैं। अंगद का एक डायलॉग है रावण से, वो कहते हैं कि दोबारा नहीं बोलूँगा। दोबारा या दोबारा फारसी का शब्द है, हिंदी में इसके लिए पुनः होता है। उन्हीं का एक और डायलॉग है, वो कहते हैं कि अपनी जान बचा ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। वरना के बारे में पिछली मुलाकात में बता चुका हूँ, हिंदी में इसके लिए अन्यथा होता है। और जान भी फारसी का शब्द है, ये भी बता चुका हूँ। जान की जगह तो हिंदी में प्राण हो सकता है, लेकिन यहाँ ये एक बात फिर से कह दूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस में किस भाषा के डायलॉग्स हैं। हिंदी उर्दू तो वैसे भी एक ही हैं, अलग नहीं हो सकती। अगला डायलॉग इंद्रजीत का है, अभी चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल। तमाशा अरबी भाषा का शब्द है। इंद्रजीत का ही एक डायलॉग है, याद रखना मेरे एक संपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया। याद फारसी का शब्द है, हिंदी में तो ध्यान रखना वगैरह चलता है। विभीषण की पत्नी का एक डायलॉग है, इंद्रजीत के नागपाश का केवल एक ही तोड़ है, मैंने कभी आजमाया तो नहीं लेकिन कहते हैं वो अचूक है, अगर वो मिल जाए तो। इसके आगे वो कुछ और कहती हैं। तो ये शब्द आजमाया जो है ये फारसी से आया हुआ है, हिंदी में तो परखा हो सकता था, और लेकिन भी फारसी का शब्द है, किंतु परंतु हिंदी में चलता है। अगर भी फारसी का है, यदि होता है हिंदी में। इसके बाद एक शब्द है ज़रूर, जामवंत जी का डायलॉग है, कहते हैं होगा ज़रूर होगा, तो ये ज़रूर अरबी से आया हुआ शब्द है, हिंदी में तो अवश्य होता है। रावण का दूत एक है, वो रावण से कहता है कि मालिश के समय परेशान करने के लिए क्षमा करें, तो ये मालिश फारसी का है, परेशान फारसी का है। मालिश को तो हिंदी में मर्दन कह सकते हैं, मलना भी कह सकते हैं, लेकिन मालिश तो प्योर पर्शियन वर्ड है, और परेशान की जगह कष्ट देना हो सकता था। रावण का एक डायलॉग है, कहता है विभीषण तेरे शरीर में मेरे वंश का जितना रक्त है उसकी एक एक बूंद निचोड़ कर तुझे खाली न कर दिया तो मैं भी, और आगे वो अपनी बात पूरी करता है। तो ये खाली बता चुका हूँ अरबी से आया हुआ शब्द है, हिंदी में तो रिक्त होता है, खोखला होता है। तो ये है। और इसके बाद विभीषण का एक डायलॉग है, हर विष का एक तोड़ होता है और हर शत्रु की एक कमजोरी। इंद्रजीत की कमजोरी है स्वर्ण झील, तो ये कमजोरी फारसी से आया हुआ शब्द है, हिंदी में तो दुर्बलता होता है। शेष जी एक जगह कहते हैं तो अगर उसे मारना है तो पानी के अंदर ही मारना होगा, तो अगर तो हिंदी का नहीं है, यदि होता है हिंदी में, अगर तो बता दिया पर्शियन शब्द है, और अंदर भी फारसी का है बता चुका हूँ, भीतर होता है हिंदी में। राघव जी कहते हैं एक जगह के वानर राज सुग्रीव, आप हमारी एक सेना के साथ उत्तर की दूसरी दीवार पर कूच करेंगे। ये दीवार और कूच दोनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। कूच की जगह हिंदी में प्रस्थान होता है और दीवार की जगह भित्ति और भीत होता है। शेष जी का एक डायलॉग है, राघव जी से कहते हैं पर इतनी जल्दी आप वहां पहुंचेंगे कैसे। जल्दी फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू में चलता है, हिंदी में तो शीघ्र चलता है, शीघ्र। शब्द और भी हैं लेकिन अगली बार। थैंक यू।